हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेट जेआरएफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उसके बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे कि जो हमारे कंज्यूमर होता है, जो बाइंग डिसीजन करता है उसका क्या प्रोसेस होता है। जब एक कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है सामान को खरीदता है तो उससे पहले उसको क्या किन किन प्रोसेस से वो गुजरता है खरीदने से पहले, यानी कि कंज्यूमर जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो कब कब और किस किस सिचुएशन से गुजरता है, किस किस स्टेज से गुजरता है। वो जो हमारी स्टेज है वो 6 स्टेज हैं जिसके कि अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर क्या है, एक प्रोडक्ट को खरीदता है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारी है जी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के ना होने से प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप माना जाता है। किसका? जो हमारे कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है उसका। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, 10 से 20 किलोमीटर आपको डेली जाना है, बट आपके पास क्या नहीं है, बाइक नहीं है। बाइक के बगैर आपको जाने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप माना जाता है वो क्या माना जाता है जी, प्रॉब्लम होती है। किसी भी चीज के ना होने से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारा फर्स्ट स्टेज माना जाता है। फिर कहीं ना कहीं पर कंज्यूमर के दिमाग में ये आता है कि इस जो है प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप माना जाता है प्रोसेस का। सेकंड, अगर मैं यहां पर बात करूं इंफॉर्मेशन सर्च, जैसे अगर मान लीजिए हमें अपनी प्रॉब्लम पता लग गया कि अगर हम 20 किलोमीटर अगर हमें जाना है बाइक लेके आनी है, तो अगर बाइक से हमारा क्या हो सकता है, हमारा इस चीज का समाधान सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए अब कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। बाइक तो बहुत सारी है, बट बाइक हमें कौन सी लेनी है जो हमारे लिए क्या हो, सुटेबल हो, वो हमारा प्रोसेस का सेकेंड पार्ट जो है माना जाता है। तो इसमें क्या करता है कि वो बहुत सारी जगह से कंज्यूमर क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किसके बारे में? उस प्रोडक्ट के बारे में जिसे उसे क्या करना है, खरीदना है, जो है परचेज करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या करता है, वो बहुत सारी जगह पर क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां पर सेकंड वन बात करूं, इवैल्यूएशन एंड अल्टरनेटिव, तो इसमें क्या है, इवैल्यूएट करता है कि क्या मुझे इस बाइक या फिर इस बाइक में इन इन प्राइस के अंदर जो उसका बजट होता है उसके अंदर क्या मुझे और सेकंड बाइक मिल सकती है। वो इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएशन लगाता है कि हमें क्या इन प्राइस के अंदर जो हमारा बजट है उसके अंदर क्या हमें और सेकंड बाइक भी मिल सकती है, अच्छी बाइक, या फिर इससे कम पैसे में भी क्या हमारा काम चल सकता है, ये क्या समस्या जो है सोल्व हो सकती है। तो वो हमारा क्या माना जाता है, थर्ड स्टेप माना जाता है। यहां पर इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएशन लगाता है एक कंज्यूमर। सबसे पहला हमारा क्या था जी, प्रॉब्लम आई, किसी भी चीज के ना होने से अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप माना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं तो मैं क्या करूंगा, एक माइक लेके आऊंगा। तो ये मेरी क्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि भाई मेरे को अच्छी वीडियो बनानी है, अच्छी वीडियो नहीं बन रही है, हमारी प्रॉब्लम थी। उस चीज के लिए मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन देखी कि क्या कौन सा माइक अच्छा है या फिर कहां कहां से हम इस चीज को खरीद सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, इंफॉर्मेशन सर्च की मैंने। फिर हमने इवैल्यूएट किया कि मुझे कौन सा माइक खरीदना है, बोया का माइक खरीदना है या फिर अदर कोई माइक खरीदना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है। फिर है परचेज डिसीजन, जब हमने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद में हमने इवैल्यूएशन कर लिया कि हम, फिर उसके बाद में क्या आता है, परचेज डिसीजन आता है कि वाक्य में हमें कौन सी चीजें खरीदनी है। तो हमें बाइक स्प्लेंडर खरीदनी है, डिलक्स खरीदनी है, अपाची खरीदनी है। तो ये हमारे क्या है, जो है परचेज डिसीजन है कि वास्तव में हमें कौन सी बाइक को परचेज करना है या फिर वास्तव में हमें कौन से माइक को खरीदना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया कि मुझे क्या है, बोया का माइक चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या है, एक परचेज डिसीजन है। अभी हमने परचेज नहीं किया है कोई भी प्रोडक्ट, अभी तक कंज्यूमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है, बट उससे पहले यह काम हो रहा है कि परचेज डिसीजन होगा उसके बाद में कि हमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल रहेगा और कौन सा प्राइस के अंदर सही रहेगा। तो वो हमारे डिसाइड किया जाता है, एक फिक्स प्रोडक्ट किया जाता है कि हमें क्या करना है जी, ये वाली चीजें
खरीदनी है, उसके बाद में क्या आता है जी, परचेज। अब देखो आप एक कस्टमर जब सामान खरीदता है तो उससे पहले कितनी स्टेजेस से गुजरता है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई कस्टमर मार्केट में गया, सामान लेके आ गया, बट उससे पहले इतनी सारी जो है चीजों से वो है गुजर के आता है, उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, हमारा परचेज आता है कि वास्तव में एक्चुअल में हमने क्या है उस चीज को बाय कर लिया, हमने एक्चुअल में उस चीज को क्या कर लिया, खरीद लिया। तो वो हमारी क्या है, परचेज के अंदर आती है, जो फिफ्थ स्टेज आती है। लास्ट वन अगर मैं बताऊं तो पोस्ट परचेज डिसीजन। पोस्ट परचेज डिसीजन क्या है कि जब हमने कोई भी सामान परचेज किया उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, हम कैसी चीजें फेस कर रहे हैं, हमारा फीडबैक क्या है। तो ये चीजें जो है लास्ट के अंदर आती है, पोस्ट परचेज डिसीजन के अंदर आती है। जैसे अगर हम बाइक खरीदते हैं तो उसके बाद में हमारे को जो कंपनी वाले हैं, एजेंसी वाले हैं, तो वो हमें क्या क्या जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो हमारी बाइक है वो हमें कैसा रिजल्ट दे रही है, तो ये हमारी किस में आती है जी, पोस्ट परचेज डिसीजन के अंदर आती है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे, हमारा बहुत ही बड़ा एक अच्छा टॉपिक था जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं कि भाई इवैल्यूएशन के बाद में कौन सी स्टेजेज आती है, प्रोसेस जो है डिसीजन होता है, बाइंग प्रोसेस डिसीजन होता है उसके अंदर इवैल्यूएशन के बाद में कौन सी जो है स्टेजेज आती है, या फिर परचेज से पहले कौन सी स्टेजेज आती है, इस प्रकार से घुमा करके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो स्टेज है इनको अच्छे से कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो बाइंग जो डिसीजन प्रोसेस होता है कहां से शुरू होता है, प्रॉब्लम से शुरू होता है, इंफॉर्मेशन आती है कि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं जी, इवैल्यूएट करते हैं कि इन दो या फिर पांच या सात प्रोडक्ट में से मुझे कौन सा लेना है, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है, अल्टरनेटिव एंड परचेज डिसीजन होता है कि वास्तव में हमें क्या चीजें लेनी है, क्या चीज हम परचेज करें जिससे कि हमारी जो है नीड क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, फिर हम वास्तव में परचेज करते हैं। हमारी जो आती है फिर हमारी क्या आती है कि हम वास्तव में क्या करते हैं, उस चीज को परचेज करते हैं, तो वो हमारी कौन सी स्टेज है, फिफ्थ स्टेज आती है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई मार्केट में गया कंज्यूमर और चीजों को लेकर के आ गया, बट ऐसा नहीं होता। लास्ट क्या होती है, परचेज करने के बाद भी जब हम यूज करते हैं उसके रिजल्ट जब हम देखते हैं, वो हमारी क्या होती है, पोस्ट परचेज डिसीजन होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं चैनल पर, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ में।